सब बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 6 वसंत भागे का पार्ट 6 पार नजर के को पढ़ेंगे। पार नजर के इस पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको लेखक परिचय और पाठ का परिचय समझा दिया था। अब इसके आगे हम लोग कहानी जानेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है, ये कहानी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है और इसमें छोटू की कहानी है जो मंगल ग्रह के जमीन के नीचे रहता है, धरती के जब मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे उसका निवास स्थान है। तो शुरुआत होती है कि छोटू हर रोज अपने पिताजी को एक पास लेकर अपने घर से सुरंगनुमा रास्ते से बाहर जाते हुए देखता था। हर रोज उनके पिताजी उसी सुरंगनुमा रास्ते से बाहर जाते थे और काम के बाद वापस आते थे। तो छोटू को भी उस सुरंगनुमा रास्ते से जाने की इच्छा मन में जागृत हुई। तो एक बार वो अपने पिताजी की पास चुरा लेता है और वो भी उस पास के जरिए सुरंगनुमा रास्ते से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन वो उस सुरंगनुमा रास्ते से उस मुख्य दरवाजे तक तो पहुंच जाता है, उसके अंदर भी चला जाता है पास के जरिए। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, क्योंकि वो यांत्रिक स्थान होता है, तो जैसे ही वो अंदर घुसता है तो उसके फोटो वहाँ के कैमरा में खिंच जाती है और वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कोई बाहर से लोग प्रवेश किया है और वह पकड़ा जाता है। क्योंकि उसके पिताजी वहाँ काम करते हैं तो वो बच जाता है। घर आता है तो उसकी माँ बहुत नाराज होती है, लेकिन उनके पिताजी कहते हैं मैं इसे समझा दूंगा, तुम शांत हो जाओ। कभी कभी होता है ना कि आप लोग घर से बाहर जाते हैं बिना मर्जी के कोई काम करते हैं तो माँ बहुत गुस्सा करती है आप पर। तो इसी तरह छोटू की माँ छोटू पर बहुत नाराज होती है, लेकिन उसके पिताजी उसे बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इस सुरंगनुमा रास्ते से बाहर जाने के बाद एक विशेष प्रकार का सूट पहनना पड़ता है जिससे ऑक्सीजन मिलती है और हम बाहर के ठंड से बच पाते हैं। और एक विशेष प्रकार का जूता भी पहनना पड़ता है जिसे पहनकर चलने का अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बिना अगर कोई बाहर जाए तो उसके प्राण पर संकट आ सकता है। तो उसके पिताजी आगे बताते हैं कि अगर तुम इस स्पेस सूट के बिना बाहर जाओगे तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तो वो पूछता है क्यों हम लोग जमीन के ऊपर क्यों नहीं रह सकते हैं? तो उसके पिताजी आगे बताते हैं कि हमारे पूर्वज मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर ही रहते थे, परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण, मौसम में परिवर्तन अचानक से होने के कारण पशु पक्षी और मनुष्य मरने लगे थे। तब उनके पूर्वजों में कुछ ज्ञानवान जो पूर्वज थे उनके, वो जमीन के नीचे अपना स्थान बना लेते हैं और यंत्र से उनको संचालित करते, जैसे सूरज की ऊर्जा, ताप, इस सब के प्रबंध वो यंत्रों से कर लेते हैं और जमीन के नीचे अपना स्थान बना लेते हैं और वो लोग सुचारू रूप से वहां रहने लगते हैं। परंतु उस यंत्र की दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ लोगों को चुना गया और वो लोग उसका प्रबंध देखते, वहां के यंत्रों का काम देखते थे ताकि सब कुछ सुरक्षित रूप से आगे चलता रहे, तो इसलिए वहां वो काम करते थे। तो उसके पिताजी समझाते हैं जब ये सारी बातें, तो छोटू समझ जाता है और वो बहुत प्रसन्न होता है और कहता है मैं भी बड़ा होकर यही काम करूंगा। तो वो उसके पिताजी समझाते हैं कि इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार छोटू समझ जाता है और आगे क्या होता है, दूसरे दिन फिर से वैसे ही उसके पिताजी पास लेकर अपने काम पर जाते हैं। जब काम पर जाते हैं तो वहां का नजारा कुछ बदला सा नजर आता है। वहां के जो पहले से कर्मचारी होते हैं वो इसे इशारा करते हैं स्क्रीन की तरफ, कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम में स्क्रीन होता है बड़ा सा, उसकी ओर इशारा करके कहते हैं कि यहाँ इस कंप्यूटर में कुछ नजर आ रहा है, कुछ टिमटिमाते हुए तारे से नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई ग्रह है। तो वो जो पहले से वहां पे कर्मचारी काम करते वो कहते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा पता लगा कि ये कोई ग्रह या कोई तारा नहीं है, क्योंकि ये अपने स्थान से हट रहा है। अगर कोई तारा होता तो अपने स्थान पर रहता और टिमटिमाता, लेकिन ये अपने स्थान से इधर उधर हो रहा है।
इसका मतलब ये तारा या कोई तारा नहीं है। तो वो लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ये अंतरिक्ष यान होगा और वो आपस में बातचीत करते हैं, उस तरफ स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं। अचानक से कॉलोनी, उस कॉलोनी जिस कॉलोनी में ये लोग रहते हैं, उस कॉलोनी के प्रबंध समिति जो अध्यक्ष होते हैं, उसकी एक सभा आयोजित की जाती है और उस सभा में वो अध्यक्ष के रूप में भाषण देते हैं और कहते हैं कि इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए। वो कहते हैं कि ये अंतरिक्ष यान नजदीकी किसी ग्रह से छोड़ा गया है। तो वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं उनसे सलाह मांगते हैं। तो वो नंबर वन के जो प्रबंधक होते हैं, वो कॉलोनी की सुरक्षा का, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन पर होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो वो कहते हैं, नंबर वन जो कर्मचारी वो वहाँ के प्रबंधक होते हैं, वो कहते हैं कि इन अंतरिक्ष यान को जलाकर राख कर देना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो दूसरे नंबर के जो वैज्ञानिक होते हैं, ये प्रबंधक होते हैं, वो अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इसे नष्ट करने से हमें इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी और उन लोगों को शक हो जाएगा कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमारे जीवन के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में उसे पता चल जाएगा, तो इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी बीच में फिर से घंटी बजती, फोन की घंटी बजती है और अध्यक्ष जो होते हैं वो फिर से एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाइयों, अंतरिक्ष यान में क्रमांक एक जो है, पहला अंतरिक्ष जो है वो मंगल ग्रह पर उतर चुका है और उससे एक हाथ, यांत्रिक हाथ निकलकर बाहर आया, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो वो सब लोग अजीब नजरों से वो स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं, सभी लोग वहाँ पे थोड़ी भगदड़ सी मच जाती है, सब लोग आ जाते हैं कंट्रोल रूम में और स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कैसा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे सबको। उसी बीच में वो छोटू के लिए सबसे बड़ा अच्छा दिन था, वो उस कंट्रोल रूम में वह भी आता है और सबका ध्यान जो है वो उस यंत्र की तरफ रहता है, परंतु उसका सबका ध्यान उस यंत्र की तरफ होता है, परंतु छोटू का ध्यान कहाँ रहता है? कंसोल पैनल क्या होता है, जहां पे विभिन्न प्रकार के बटन होते हैं, उसमें लाल, पीले, हरे, नीले, इस तरह के बटन होते हैं और उस कंसोल पैनल के बटनों में से वो लाल रंग की बटन जो है वो छोटू को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। वो क्या करता है, सबका ध्यान उधर होता है और छोटू क्या करता है, उस लाल बटन को दबा देता है। इससे क्या होता है, अचानक से वो जो हाथ यंत्र से बाहर निकल रहा होता है वो अचानक से रुक जाता है और वो खराब हो जाता है। यह देखकर छोटू के पिताजी को बहुत गुस्सा आता, वो अपनी तरफ उसे खींचते हैं और एक जोर का तमाचा लगाते हैं, उसे चाटा लगा देते हैं और फिर उस बटन को यथास्थान रख देते हैं, फिर से उस बटन को वहीं पर लाके रखते हैं पहले जैसे जहां था। तो इसमें क्या होता, वो हाथ रुक जाता है थोड़े देर के लिए, तो ये जैसे ही रुकता है तो वो, चूंकि वो अंतरिक्ष यान जो है वो धरती पर से भेजा गया था, तो तुरंत ही वहां के नासा वैज्ञानिकों को पता चलता है कि वो यंत्र काम करना बंद कर दिया है। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वाइकिंग नाम का जो वो अंतरिक्ष यान होता है जिससे वो हाथ बाहर निकला हुआ होता है, वहाँ की मिट्टी को संग्रहित करने, वहाँ की मिट्टी को लेने के लिए, संग्रहित करने के लिए वो जो हाथ बाहर आता है तो वो खराब हो जाता है। उसकी जानकारी वहाँ के नासा वैज्ञानिकों को मिल जाती है और दूसरे ही दिन अखबार में यह छपती है कि नासा वैज्ञानिकों ने अपने तकनीकी माध्यम के द्वारा रिमोट कंट्रोल के सहारे उस वाइकिंग को ठीक कर दिया है और वहां से, मंगल ग्रह से बहुत सारे मिट्टियों का संग्रह हो रहा है और इस तरह जो है मंगल ग्रह से बहुत सारे वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए मतलब बहुत उत्सुक रहते हैं। वहां से वो मिट्टी आता तो उससे यह पता चल पाता कि मंगल ग्रह पर पहले से जीवन संभव था कि, पहले वहां जीवन संभव था कि नहीं, परंतु आज
यह एक रहस्य बनकर रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। तो इस प्रकार इस पाठ का अंत यहाँ हो जाता है और मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उससे साइंटिस्ट अभी तक पता लगा नहीं पाए हैं और अभी तक ये प्रोसेस चल ही रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम दूसरे पाठ लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।